हेलो स्टूडेंट मैं आ गई क्या पढ़ाऊँगी आज आज मैं जेंडर के बारे में पढ़ाऊँगी पहले मैं क्लास में पढ़ाई थी वन और टू में आपने जेंडर के बारे में पढ़ाया प, पढ़ा था ना ही ग्रुप एंड शी ग्रुप पढ़ाया था ना तो आज जो है आज भी उसी का थोड़ा सा और ज़्यादा क्लास थर्ड में क्या है कि थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ठीक है उसमें मैंने वर्ड का पढ़ाया था और इसमें जो है सेंटेंस में ही जेंडर चेंज करने का रहेगा तो एक जो वर्क दूंगी वो वर्ड में और उसके बाद दूंगी सेंटेंस में चेंज करने का कर रहेगा तो मेल एंड फीमेल मैंने जैसे ही पहले ही पढ़ाया था ही ग्रुप एंड शी ग्रुप तो मेल एंड फीमेल मतलब वोमेन के कैटेगरी में गर्ल के कैटेगरी में जो भी आती है ना वो हो गए फेमिनिन ठीक है मीन्स फीमेल जेंडर फीमेल जेंडर को फेमिनिन भी कहते हैं और ही ग्रुप जो आदमी के श्रेणी में जितने भी आते हैं मतलब बॉय ग्रुप में जितने भी आते हैं लड़के के श्रेणी में बोलो आदमी के श्रेणी में बोलो वो मेल मेल होती है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर भी कहते हैं तो आज हम मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे क्लियर हो गई इतना चलो जल्दी फटाफट शुरू कर देते हैं ओके चलो तो सम नाउंस नेम स्पेशली मेल्स एंड फीमेल्स नाउन इज अ नेमी वर्ड तो हमने पहले ही पढ़ चुका है तो उसी को नाउन यहाँ पे कहा गया सम नाउन्स नेम स्पेशली मेल्स एंड फीमेल्स मेल और फीमेल अभी मैंने बताया मेल हो गया ही ग्रुप फीमेल्स हो गया शी ग्रुप इन ग्रामर द वर्ड जेंडर इज यूज टू डिस्क्राइब दिस फ्यूचर फीचर ऑफ नाउन्स इन ग्रामर द वर्ड जेंडर इज यूज टू डिस्क्राइब दिस फीचर ऑफ नाउन्स नाउन्स कौन सा कैटेगरी में आते हैं मैस्क्यूलिन में कि फैमिलिन में ये जानने के लिए हम जेंडर पर, पढ़ते हैं इसी को जेंडर कहते हैं मेस्क्युल जेंडर रेफर्स टू मेल्स मीन्स ही ग्रुप और मैन के ग्रुप में जितने भी आते हैं मेस्क्यूलिन जेंडर कहते हैं फेमिनिन जेंडर रिफर्स टू फीमेल्स मीन्स शी ग्रुप या वुमेन के ग्रुप में जितने भी आते हैं फीमेल्स में उसको फेमिनिन जेंडर कहते हैं तो बॉय यानी मैस्कुलिन जेंडर हो गया गर्ल यानी फेमिनिन जेंडर हो गया फॉर एग्जाम्पल समर डी इज अ बॉय एंड पार्थवी इज अ गर्ल तो समर डी क्या होगा मैस्कुलिन जेंडर में आ गया बॉय है और पार्थवी क्या हुई गर्ल हुई तो फेमिनिन जेंडर में हो गई समझ में आ गया ना इजी लग रही है ओके okay. तो ये जो पहला जो पहला है है मैच द फॉलोइंग ये मैंने क्लास वन और टू दोनों में कराया है ठीक है तो अभी आपको ये कर ये करने के बाद हम सेंटेंस में जाएंगे तो फटाफट शुरू करते हैं नंबर ए द नाउंस इन कॉलम ए कॉलम ए आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ पे किया हुआ है द नाउंस इन कॉलम ए आर ऑफ मैस्कुल इन जेंडर कॉलम ए में जितना भी दिया गया है मैस्कुलर है एंड दोन कॉलम बी एंड कॉलम बी आर देर फेमिन जेंडर दिया गया है इसका फेम, फेमिन फॉर्म मीनस फीमेल फॉर्म इधर है तो आपको मैच करके लिखना है ये बहुत ही ईजी है मैंने क्लास वन और टू में आपको करवाया था फॉर एग्जाम्पल ब्रदर तो सिस्टर मिन्स भाई मेल ग्रुप में ही ग्रुप में आ रहा है तो शी ग्रुप में क्या आएगा सिस्टर बहन ब्रदर सिस्टर फादर मदर मदर कहाँ है, कहा है? यहाँ पे ठीक है तो इसको आपको मैच करना है मैन मैन का क्या होगा आपको यहाँ पे यहाँ से चुन के लिखना है अंकल फॉक्स बुल गेंडर टाइगर मदर आंट सिस्टर ओमेन टाइग्रेस गूज विजन काउ तो कॉलम ए का मैंने बता दिया कॉलम बी का भी बता दिया इसको जो है आपको अपने आप करना है मैंने सिर्फ टू ही एग्जाम्पल दिया है बाकी आप अपने आप करोगे यहाँ सेंटेंस में चेंज करने दिया गया है चेंज द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम फेमिनिन टू मेस्क्युल जेंडर तो यहाँ पे फेमिनिन जेंडर में दिया गया है तो आपको मेस्क्यूलिन जेंडर में चेंज करना है सिर्फ वर्ड नहीं लिखना है पूरे सेंटेंस को आपको रीराइट करके बीच में जो फेमिनिन uh, जेंडर को मेस्कुलिन जेंडर में चेंज करके लिखना है सेंटेंस रिराइट करना है माय मदर इज माय कजेंस आंट जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लिखना है आपको तो आप माय पहले लिखोगे मदर के, के जगह क्या होगा इसको चेंज करना है ये मदर जो है फेमिनिन जेंडर है ही शी ग्रुप में आ रही है, है ना तो आपको ही ग्रुप में चेंज करना है फिर ही ग्रुप और शी ग्रुप करके मैंने वन और टू में समझाया था और मेस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर भी बताया था लेकिन आपने भूल गया होगा तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ ही ग्रुप मीन्स मेस्कुलिन जेंडर मीन्स मेल में आती है और फेमिनिन जेंडर जो होती है वो शी ग्रुप में आती है मतलब फेमिनिन uh, में आती है मेस्क्यूलिन ही ग्रुप में आती है मेल ठीक है और फेमिनिन गर्ल शी ग्रुप में आती है तो माई मदर इज माई कजंस आंट माई मदर के जगह हो जाएगा फादर इज लिखोगे माई कजन्स जब यहां पे फादर दिए हो तो यहां पे क्या हो जाएगा माई फादर इज माई कजन्स अंकल आंट का जगह अंकल मदर के जगह फादर माई फादर इज माई कजंस अंकल ओके समझ में आया नाउ नेक्स्ट द टाइग्रेस looked फियर्स the tigress looked फियर्स the tigress ke जगह tiger, the tiger looked फियर्स समझ में आया इजी है बेटा अरे यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर पिक्चर दिया गया है देखो ना इनको बताना चाहिए था कि आप क्लास थर्ड में हो तो पिक्चर की ज़रूरत नहीं है क्यों चलो हम आगे देखते हैं कोई बात नहीं दे दिया है, है ना अच्छा लग रहा है चलो नेक्स्ट में देखते हैं ठीक है ओके आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या हुआ है सजल्स नीज लीव्स इन केरला सजल्स नेफ्यू यू लिव्स इन केरला आगे आप करोगे कि मैं बता दूं, चलो मैं बता देती हूं, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना ठीक है पैसे तो आप लिखते नहीं हो कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो नहीं लगा ठीक है आगे से मैं बताऊंगी नहीं कुछ देख लेना द क्वीन आस्ट द प्रिंसेस टू स्टे अवे फ्रॉम द क्लिफ तो द क्वीन के जगह हो गया किंग आस्ट द प्रिंस के जगह हो गया प्रिंस टू स्टे अवे फ्रॉम द क्लिफ समझ में आया अब यह खुद से करोगी ये फोर है ना फोर मैंने बता दिया चार मैंने बता दिया चार आप खुद से करोगे द ओमेन ऑन्ड ए मेयर ए गूस एंड अ काउ The little girl was kind to the injured mare. The landlady never spoke harshly to the maid servant. The bride was taller than the bridegroom. ye aap khud se karoge Next जो है next video देखने के लिए आप मेरा video देखते रहना और subscribe और like करना ना भूलिए. ठीक है subscribe करो. लाइक like करो बेल आइकन को दबाओ ताकि आगे का मेरा जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक यू वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि मैं और आपको बता सकूँ